जब मैं जैसलमेर से निकला 5-6 किलोमीटर आगे आया तो फिर मतलब अंधेरा था बहुत, तो कुत्ते पीछे पड़े 15-20 मतलब एक साथ में। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज अभी हम जा रहे हैं तनोट माता, जो पाकिस्तान भारत बॉर्डर के पास में मंदिर स्थित है, वहाँ पर जाते हैं। अभी सुबह के बजे 7 और हमने कवर कर लिया 25 किलोमीटर। सुबह मतलब धर्मशाला से निकल गए थे 5 बजे और अभी हम जा रहे हैं आगे। या सुबह सुबह बहुत ठंड थी तो पूरा मतलब रजाई वगैरह ओढ़ लिए थे और अभी तो ठीक ठाक है। और अभी चलते आगे, 100 किलोमीटर बाकी है, 25 किलोमीटर कवर कर लिया है तो शाम को 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से। ने का व्यूज बहुत ज़बरदस्त है, पूरा ढलान है और साइकिल देखो खुली चल रही पूरी, बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे, बहुत बड़े बड़े दौरे होंगे। सामने पवन चक्की चल रही है यहाँ पर और आगे रेत के बड़े बड़े दौरे आ रहे हैं। अभी बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। सामने बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्की चल रही है यहाँ, चारों तरफ पवन चक्की है और ये हाईवे अभी चल रहा है आगे। 90 किलोमीटर बाकी है तनोट माता, फिर चलते आगे। यहाँ पर पवन चक्की है और इसके पंख की बात करें तो मिनिमम 100 फीट लंबा पंख है और पास में ही रेल की पटरी चल रही है यहाँ पर। और ये हाईवे ज़बरदस्त है, नया बना हुआ है तो पता भी नहीं चलता कि साइकिल इतनी मतलब इजी चलती है पूरा। और अभी हमने 40 किलोमीटर कवर कर लिया है। जब मैं जैसलमेर से निकला 5-6 किलोमीटर आगे आया तो फिर मतलब अंधेरा था बहुत, तो कुत्ते पीछे पड़े 15-20 मतलब एक साथ में, तो यार साइकिल ज़ोर से भगानी पड़ी, पूरे 1 किलोमीटर तक पीछा किया मेरा। पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है, पूरा सीधा सुनसान पड़ा है और 50 किलोमीटर आ गया हूँ पर कहीं पर घर नहीं दिख रहा है और एक छोटा सा गांव था बीच में, बाकी कोई घर नहीं दिख रहा है, सुनसान जगह है यहाँ पर और कहीं पर पानी भी मिलना मुश्किल है। पर खेती के लिए खेत में जब मतलब साफ सफाई की हुई है यहाँ पर और मतलब पूरा हरा भरा है यहाँ पर, इतना चारों तरफ हरियाली हरियाली है यहाँ पर। मतलब इंदिरा गांधी नहर पास से अभी निकली थी, आपको दिखाया नहीं हो, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा नहर का वीडियो। और अभी तनोट माता रहा है 50 किलोमीटर और दिन के बजे 12, शाम को 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। ये अलग तरीके से करते हैं यहाँ पर, मतलब पानी के लिए खाई बना देते और फिर खाई से पानी मतलब भेज दे आगे, यहाँ पर पाइप वगैरह का उपयोग नहीं करते यहाँ पर। पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, मतलब पूरा सुनसान जगह है और मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत ही कम आती है, 10-15 मिनट में एक गाड़ी दिखती है। अभी वो दिवाली की सीज़न है इसलिए एक दो ऐसे दिख जाती है, बाकी पूरा सुनसान जगह है और यहाँ पर 50 किलोमीटर तक कोई पानी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है बीच में। एक भाई ने बोला था पीछे गांव आया था तो उसने बोला कि आपके पास पानी नहीं है तो लेके जाओ यहाँ से, आगे 50 किलोमीटर तक कोई नहीं है पानी वगैरह। इंदिरा गांधी नहर से छोटी छोटी नहरें ऐसे नाले बना के ऐसे खेती के लिए पानी ले जाते हैं लोग, यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा। तो अब आया पूरा लक्षम, तो हवा चल रही मस्त ज़बरदस्त, गर्मी इतनी भी थोड़ी भी नहीं लग रही है और पूरा दूर दूर तक दौरे दौरे है यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े अभी दौरे आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है और गर्मी तो भयंकर पड़ रही है यहाँ पर। दिन के 3 बजे और 20 किलोमीटर बाकी है अभी,
नेटवर्क वगैरह यहाँ पर नहीं है। ये रेगिस्तान थार वाला डेजर्ट में बहुत ही खतरनाक रास्ता है, भयंकर है यहाँ यार, खतरनाक पूरा, गर्मी गर्मी और पूरा ऐसा वो। आज थका हूँ पहली बार, में इतने राइड किया हूँ नहीं थका हूँ, आज थका हूँ पहली बार। गर्मी है बहुत भयंकर। पहुँचने वाला है तनोट माता मंदिर, यहाँ से 3 किलोमीटर बाकी है। और यहाँ एक जैसलमेर की बात अच्छी लगी कि अभी मतलब सब जगह पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर, मतलब हरा भरा कर रहे हैं जैसलमेर को, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब दोनों साइड में पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पर, और पीछे रेत के टीले बहुत बड़े बड़े हैं अभी।